Hi वन वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड यू आर मोस्ट वेलकम वेलकम टू your पेड classes. तो कैसे आप सभी लोग सभी लोग लाइव आ जाएँ और याद रखिए ये आपकी पेड क्लासेज हैं इसलिए इसके लिंक को कहीं पर भी शेयर नहीं करना है कोशिश भी नहीं करनी है ठीक है ज़्यादा क्राउड होगा तो चीज़ें फिर अच्छी नहीं हो पाएंगी सो शुरू करेंगे आज का सेशन जो कि आपके मैंने पहले मेरा मन था कि मैं आज इंट्रो क्लास ले लूँ जैसा कि मैं सभी बैचेज में करता हूँ एक दिन इंट्रो ताकि आपको पेड क्लासेस के अपने रूल्स पता चल जाएं लेकिन मैंने सोचा कि बच्चे एक्साइटेड ज़्यादा हैं कुछ ना कुछ पढ़ाना है ताकि आ, तो मैंने टॉपिक ही ले लिया नाउन लेकिन उससे पहले मैं आपको दो मिनट कुछ ज़रूरी बात बताऊँगा उसको ज़रूर सुनिएगा इसके बाद ठीक है हाँ बिल्कुल शीतल और आज दिन बहुत अच्छा है गुरु पूर्णिमा है इसीलिए मैंने तीन जुलाई से क्लास को स्टार्ट करना शुरू कर दिया पहले मेरा प्लान दस जुलाई से था तब तक एडमिशन का ठीक है तो कोई बात नहीं और सब कुछ ठीक है अब मेरी बात को पहले सुन लीजिएगा फिर मैं नाउन पढ़ाऊंगा पहले मेरी बात यह कि देखिए पेड क्लासेस के भी कुछ रूल होते हैं और रूल नंबर एक ये है आपका सबसे पहले रूल नंबर एक क्या है रूल नंबर एक ये है मैं नाउन पढ़ाऊंगा पहले बता दूं और रूल नंबर एक ये कि देखिए जब मैं पढ़ाऊं आपको तो आप बीच में प्रश्न मत कीजिएगा जैसे क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा देर में खुद ही पूछता रहता हूँ कि यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है जब आपसे पूछा जाए तभी आप प्रश्न कीजिएगा बीच में जब फ्लो में हो तो उस फ्लो को तोड़ मत तोड़िएगा पहली बात तो ये दूसरी बात यदि आप क्लास में बहुत ज्यादा लेट हो जा रहे हैं तो आपको गुड इवनिंग बोलने की आवश्यकता नहीं है आप ऐसे साइलेंट होकर के बैठ जाइए जैसे कि आप क्लास में पहले से ही मौजूद थे आप लेट हुए ही नहीं है तो बिल्कुल भी गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं है अगर आप लेट हैं तो उससे क्या होता है क्लास का फ्लो टूट जाता है ठीक है और तीसरी बात ये है कि यदि कोई डाउट आता है अगर मान लीजिए कोई बाद में जैसे आप लेट ज्वाइन किया आपने और आपको डाउट आया है पहले की कुछ बातों का तो फिर आप क्लास के लास्ट में पूछिएगा मैं क्लास के लास्ट में ही आपके डाउट्स लूंगा और तभी आप अपने डाउट्स पूछ लीजिएगा ठीक है बट जहाँ जरूरी हो कि यहाँ टोकना सही है तो वहाँ टोक भी दीजिएगा ऐसी कोई बात नहीं है बट एकदम चीज़ों को मेंटेन करके चलना है हम लोगों को ठीक है तो आज हम डील करने वाले हैं नाउन के बारे में अब देखिए नाउन से पहले जो यहाँ तक बातें पहले समझ में आ गई ना चलिए इतनी समझ में आ गई जब भी लेट आइए कोई जरूरत नहीं गुड इवनिंग बोलने की ठीक है और क्लास के बीच में डिस्टर्ब नहीं करना है और जो डाउट हो लास्ट में पूछिएगा जरूरी लगे तो आप पूछ लीजिएगा अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आप पूछिए तो पूछिएगा ठीक है चलिए अब शुरू करते हैं तभी मजा आएगा पेड क्लास में देखिए नाउन के से पढ़ने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि आप जानते हैं कि नाउन किसका हिस्सा है तो नाउन जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है किसका हिस्सा किसका हिस्सा है पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है स्पीच का मतलब होता है स्टेटमेंट ठीक है ठीक है इसको आप कह सकते हैं जिसको जैसे हम कोई चीज बोल रहे हैं वो एक स्पीच है और उस उस स्पीच में कई सारे शब्द होते हैं वो नाउन भी हो सकता है वो प्रोनाउन भी हो सकता है वो एडजेक्टिव भी, भी हो सकता है वो कुछ भी हो सकता है, है ना एडवर्ब भी हो सकता है वर्ब भी हो सकता है तो ये नाउन जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है ये बात तो आप सभी लोग अच्छे तरीके से जानते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नाउन के कितने टाइप्स होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा लेकिन नाउन का एक मेन चीज बस आपको जान के रखना है नेमिंग वर्ड क्या याद रखना है नेमिंग वर्ड ठीक है तो किसी भी चीज़ का जो नाम होता है वो नाउन कहलाता है ये बात हमने बचपन में पढ़ी थी लेकिन ये पूरी तरह से लागू नहीं होती है क्योंकि तो मैंने अगर ठीक है तो क्योंकि अभी आपको बहुत चीज़ें मैंने कहा सुगर तो सुगर क्या है ये भी नाउन है आपको पता है लेकिन ये कौन सा नाउन होगा ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है इसके लिए मैं आपको नाउन के टाइप्स भी बताऊंगा ठीक है तो एक एक पॉइंट को शुरू करना यहां से हम शुरू करते हैं सीधा हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे जो बेसिक चीज है वो मैं आपको बताता चलूंगा पहला पॉइंट मैंने आपसे ये कहा कि नाउन एक नेमिंग वर्ड है जैसे कि अगर मैं बॉय लिख दूंगा तो बॉय कोई नाम नहीं है बल्कि अगर मैं लिख दूंगा कि राम तो राम एक बॉय है तो ये क्या हो जाएगा ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा ये आपका कॉमन नाउन हो जाएगा ठीक है तो इससे अच्छा कि हम लो, हम लोग सिस्टम से चलते हैं देखिए नाउन को नेमिंग वर्ड बोलते हैं ये बात समझ में आ गई पहला पॉइंट दूसरा यह कि बेटा हम नाउन को कैसे पहचाने अगर कोई भी ऐसा शब्द है कोई भी ऐसा वर्ड लिखा हुआ है जिसके पहले आर्टिकल का इस्तेमाल किया गया है क्या किया गया है आर्टिकल का इस्तेमाल किया गया है तो वो नाइन्टी नाइन परसेंट है कि वो बल्कि हंड्रेड परसेंट है कि वो नाउन ही होगा ये बात ध्यान रखिएगा अगर किसी शब्द के पहले आर्टिकल लिखा हुआ है तो वो नाउन ही होगा लेकिन कभी कभी क्या होता है कि नाउन से बहुत दूर आर्टिकल की पोजिशन हो जाती है आर्टिकल की पोजीशन कभी कभी बहुत दूर नाउन से हो जाती है इसके बावजूद भी जिस वर्ल्ड के लिए यह आर्टिकल का इस्तेमाल होगा वह शब्द नाउन ही कहलाएगा तो कहने का मतलब यह पहला पॉइंट मैंने यह कहा कि कोई भी ऐसा शब्द जिसके लिए आर्टिकल का इस्तेमाल होगा पक्का है कि वो नाउन होगा आपको इसमें पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जैसे देखिए होता क्या मैंने कहा कि अब तो यहां पर बॉय क्या नाउन है फिर मैंने कहा आ स्मार्ट बॉय तो ये देखिए बॉय क्या है नाउन है और यहां पर ए क्या है बॉय के लिए आर्टिकल आया है अब आप स्मार्ट को नाउन मत बोल दीजिएगा जो आप कह रहे हैं सर जी अभी तो आप समझा रहे थे कि जिस शब्द के पहले नाउन लगे आर्टिकल लगेगा वो नाउन हो जाएगा ऐसा नहीं है मैंने कहा है जिस शब्द के लिए आर्टिकल आता के लिए आर्टिकल आता है वह शब्द क्या कहलाता है नाउन कहलाता है ध्यान रखिएगा अब मैंने मान लीजिए लिख दिया आ वेरी स्मार्ट बॉय लिख दिया तो बॉय भी क्या है नाउन है स्मार्ट क्या है? एडजेक्टिव है वेरी क्या है? एडवर्ब है तो ये आर्टिकल किसके लिए आया है एडवर्ब के लिए नहीं आया है ये आर्टिकल आया है इस बॉय नाउन के लिए अगर नाउन ना हो तो हम कभी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं मैं एक शब्द और लिख रहा हूँ मैंने कहा आ फिर मैंने कहा लिखा वेरी वेरी स्मार्ट बॉय मैंने लिख दिया बेटा तो ये नहीं सोच ये नहीं सोच लेना है कि गुरु जी आर्टिकल ए का इस्तेमाल तो वेरी के पहले लगा हुआ है तो वेरी यहाँ पर आपका नाउन हो जाएगा ऐसा दिमाग में फितूर नहीं रखना है ठीक है बात समझ में आ गई बात कोई बच्चा कह रहा था मेरा ज्वाइन ही नहीं हो रहा है न क्या करें बाद में देखेंगे उनको चलिए होता है क्या है ना कि जब लिंक दी जाती है तो समय पे ज्वाइन करना है एक, एक एक दिन के अंदर तब तो बताते नहीं प्रॉब्लम पढ़ाते समय प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जाएगा नाउन में एस एस देखिए ये मैं समझा रहा था हाँ। आर्टिकल जो आया है वो बॉय के लिए आया है ना कि वेरी के लिए आया है आपका बॉय नाउन है स्मार्ट आपका एडजेक्टिव है वेरी आपका एडब है और एडब को ही क्वालिफाई करने वाला क्या होता है एडब होता है ये बात ध्यान रखिएगा तो बस कहने का सेंस ये है बेटा कि आर्टिकल का के इस्तेमाल केवल और केवल नाउन के लिए किया जाता है नाउन चाहे जहां लिखा हो लेकिन आर्टिकल जरूर होगा उसके लिए लिखा होगा क्योंकि अगर मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं मैंने कहा शी इज फिर मैंने लिखा कि इंटेलिजेंट तो मैं आपसे अगर पूछूं यहां पर कौन सा आर्टिकल का आप इस्तेमाल करेंगे बताइए आप यहां ए लिखेंगे कि आप एन लिखेंगे, लिखेंगे, लिखेंगे कि आप दा लिखेंगे कि आप कोई भी प्रीपोजिशन का कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल यूज नहीं करेंगे बताइए यहाँ पर क्या आएगा मुझे इसका आंसर दीजिए आप लोग जो बच्चे हमारे पुराने स्टूडेंट हो चुके हैं वो मैं भी इसका आंसर बड़े अच्छे से जानते होंगे लेकिन जो नए हैं वो भी मतलब तो जो पुराने वो तो जानते ही होंगे जो नए वाले हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है इसमें क्या आएगा बताइए आर्टिकल ए आएगा एन आएगा द आएगा क्या आएगा बताइए चलिए अब देखिए जैसे ए का पढ़ने का आपने बोला कि सर एन आएगा एक बच्चे की भी अगर गलती हो रही है मान लीजिए ठीक कोई बात नहीं है क्या आप गलती करेंगे तभी सीखेंगे अगर एक बच्चे से भी गलती हो रही है तो वो सीखेगा विमलेश ने बोला जैसे कि एन आएगा है ना सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है बेटा नो नीड टू सॉरी मैं सिखाने के लिए बैठा हूँ मनीषा के लिए एन आएगा ये सब जितने भी जिन्होंने भी एन बोला है ये रॉन्ग आंसर कर रहे हैं बेटा इंटेलिजेंट क्या है इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव है और आर्टिकल जो आता है वो एडजेक्टिव के लिए नहीं आता है हाँ अगर मैं लिख देता शी इज़ इंटेलिजेंट गर्ल तो फिर यहाँ पर आप आर्टिकल ए का एन का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर हम एन का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसके आने वाले आगे आने वाला जो शब्द है या लेटर है वो वॉवल साउंड देता है कैसा साउंड देता है वॉवल साउंड देता है तो हम ए लगाएंगे कि एन लगाएंगे ये बात डिसाइड होती है आर्टिकल के आगे आने वाले लेटर के अनुसार यदि लेटर आपका वॉवल साउंड करता है तो आपको एन लगाना है और यदि लेटर आपका कॉन्सोनेंट सॉल्व करता है साउंड करता है तो आपको ए लगाना है लेकिन आर्टिकल आएगा कि नहीं आएगा यह बात डिसाइड होती है कि सेंटेंस में नाउन दिया गया है या नहीं बात समझ में आ गई मैंने क्या कहा ठीक है मैंने क्या कहा यह बात ध्यान रखिएगा मैंने कहा आपसे फिर से, से क्लियर कर रहा हूं बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने कहा कि यहाँ पर ए आएगा कि एन आएगा यह डिसाइड होगा कि उसके आगे आने वाला जो शब्द लिखा हुआ है उसका जो पहला अक्षर है वो वॉवल साउंड देता है कि कॉन्सोडेंट साउंड देता है लेकिन आर्टिकल ए का इस्तेमाल या एन का इस्तेमाल हम करेंगे कि नहीं करेंगे यह डिसाइड करता है कि सेंटेंस में नाउन है कि नहीं है नाउन होगा तो ही आर्टिकल होगा नहीं तो नहीं होगा ये बात ध्यान रखिए ठीक है उम्मीद है कि ये पॉइंट्स आपको एकदम क्लियर हो गए होंगे बिल्कुल दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए एकदम इसके बाद मैंने कहा कि नाउन मैंने आपको एक बात और समझाई थी ये भी बहुत ज़रूरी है कभी कभी कुछ भी बातें इंटरव्यू में पूछ ली जाती हैं एग्जाम में पूछ ली जाती हैं किसी भी फॉर्म में पूछ ली जाती हैं देखिए नाउन में जब हम एस या ई एस का इस्तेमाल करते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है कैसा बन जाता है प्लूरल बन जाता है लेकिन जब हम वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं तो वर्ब सिंगुलर बन जाता है ये बात भी जानते रहिएगा कभी कभी पूछ लेता है ठीक है कि हम किस में ऐसी एस -E लगा दें कि वो सिंगुलर बन जाए तो आपको जवाब देना है कि वर्ब में अगर हम ऐसी एस -E लगा देते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है किस में हम ऐसी एस -E लगा दें कि प्लूरल बन जाएगा तो वर्ब नाउन में हम ऐसी एस -E लगा देंगे तो वो प्लूरल बन जाएगा ठीक है ये बात ध्यान रखिएगा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर जो आपने समझा है वो इसलिए बताया मैंने क्योंकि देखिए मैंने कहा ही राइट्स बेटा तो इसमें ई एस इसमें एस लग रहा है क्योंकि ही सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आई है सिंगुलर आई है मैंने कहा दे तो मैं लिखूंगा राइट तो देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है तो दे के अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसका मतलब है कि यहाँ पर वर्ब कैसी है प्लुरल है क्योंकि दे भी कैसा है प्लूरल है तो जैसा सब्जेक्ट होता है वैसा ही वर्ब भी होती है उसी को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है और उसी को कॉन्कर्ड के नाम से भी जाना जाता है ये सारी बातें आप लोग याद रखिएगा ठीक है ये थे एक बहुत ही बेसिक सी बातें थी जो जरूरी बातें मैंने आपको समझाई बेसिक बातों को याद रखना आपको चाहिए क्योंकि मैं इस मकसद से पढ़ा रहा हूं कि जब आप टीचर बनेंगे तो आप अपने स्टूडेंट को भी डीपली एक्सप्लेन करें बट कितना एक्सप्लेन करना है वो उनके सिलेबस के हिसाब से करिएगा ठीक है इसके बाद बात करते हैं काइंडस ऑफ नाउन के कि नाउन के कितने प्रकार होते हैं देखिए नाउन के प्रकार को दो हिसाब से बांटा जाता है एक हिसाब होता है जो पहले जो चलता था कि नाउन के पांच प्रकार होते हैं एक होता है प्रॉपर नाउन होता है एक कॉमन नाउन होता है एक कलेक्टिव नाउन होता है एक मटीरियल नाउन होता है एक अब्सटेक्ट नाउन होता है और एक नाउन को दो हिस्सों में बांटा जाता है वो एक हिस्सा होता है काउंटेबल नाउन होता है इसमें और दूसरा हिस्सा जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है ये बात आप सभी लोग जानते हैं ठीक है बिल्कुल बात समझ में आ गई नाउन अकाउंटेबल और अनकाउंटेबल के नाम से भी हम नाउन को पहचानते हैं और नाउन को हम ऐसे भी पहचानते हैं कि नाउन के पांच टाइप होते हैं प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन कलेक्टिव नाउन मटेरियल नाउन और अब्स्टेक्ट नाउन होता है मैं आपको सारी चीजें डिटेल में पढ़ाऊंगा प्रॉपर नाउन में किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है किसी वस्तु का नाम हो सकता है किसी जगह का नाम हो सकता है ये बात ध्यान रखिएगा कॉमन नाउन जो होता है वो किसी वर्ग को दिखाने का काम करता है किसी वर्ग को दिखाने का वो वो जैसे एनिमल लिख दूं मैं तो वो जानवरों के सारी प्रजातियों के बारे में बात कर रहा है मैं बॉय लिख दूं तो सारे लड़कों की प्रजातियों की बात कर रहा है मैं गर्ल लिख दूं तो सभी सभी लड़कियों की बात कर रहा है ठीक है ये बात ध्यान रखिएगा तो अब कलेक्टिव नाउन क्या होता है जो समूह के रूप में होते हैं जिनसे जो कई व्यक्तियों से मिल करके बनता है उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं कलेक्टिव को बोलते हैं समूह वाचक जो कई व्यक्तियों से मिलकर के बनता है क्लास जो होता है क्लास भी कम से कम दो व्यक्तियों से मिलकर के बनती है कम से कम दो व्यक्ति तो होने ही चाहिए आर्मी हो गया आर्मी में बहुत सारे जब जवान होते तब एक आर्मी तैयार होती है फैमिली एक व्यक्ति से फैमिली नहीं होती है फैमिली में कम से कम दो व्यक्ति हो चाहे भले ही पति पत्नी क्यों ना हो ऑडियंस में भी जब बहुत सारे लोग का जब एक क्राउड होता है तब उसको ऑडियंस बोलते हैं और क्राउड भी आप जानते हैं जब लोग इकट्ठा होते हैं एक जगह पर उसको भी क्या बोलते हैं कलेक्टिव नाउन बोलते हैं अभी इनके अंदर और भी डीप बातें हैं जो मैं आगे बताऊंगा मटेरियल कौन होते हैं अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ मटीरियल क्या होता है शुगर विड वुड वाटर गोल्ड सिल्वर एटसेट्रा यानी कि ऐसी चीजें जिनसे आप कोई दूसरी चीज बना सकते हैं वह मटीरियल नाउन कहलाता है ठीक है जैसे शुगर से आप शरबत बना सकते हैं गर्मी का मौसम है बढ़िया पुदीने का शरबत पीजिए बढ़िया रुआ का शरबत पीजिए वुड क्या होता है वुड लकड़ी लकड़ी से आप टेबल बना सकते हैं है ना आजकल गर्मी में पीठ बहुत खुजलाती है तो पीठ खुजलाने वाला यंत्र भी बना सकते हैं है ना और वाटर पानी पानी से आप शरबत में डालेंगे गोल्ड सोने से आप रिंग बना सकते हैं जो आप अपनी मोहतरमा को पहनाएंगे और सिल्वर से भी आप कुछ ना कुछ बना सकते हैं है ना तो ये क्या है मटेरियल है इनसे आप किसी और वस्तु का निर्माण करते हैं ठीक है और जो अब्सट्रैक्ट नाउन होता है वो ऐसा नाउन होता है है ना बिल्कुल बबीता अब्सट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसमें आप किसी चीज को टच नहीं कर सकते आप सिर्फ फील कर सकते हैं आप उसको देख नहीं सकते आप उसको टच नहीं कर सकते लेकिन आप उसे फील कर सकते हैं जैसे कि ऑनेस्टी इसकी स्पेलिंग गलत हो गई थोड़ा सा एच ओ एन ई एस टी वाई ऑनेस्टी मैं ठीक कर देता हूं ठीक है ताकि दोबारा कभी गलती ना हो कि होटेक्ट डाउन में क्या होता है मैंने कहा कि अब मतलब ऑनेस्टी ईमानदारी अब क्या ईमानदारी को आप देख सकते हैं आप ईमानदार व्यक्ति तो देख सकते हैं ईमानदार टीचर देख सकते हैं ईमानदार स्टूडेंट देख सकते हैं लेकिन आप ईमानदारी को नहीं देख सकते सिंसियरिटी समझदारी को नहीं देख सकते आप समझदार व्यक्ति देख सकते हैं पावर्टी गरीबी को नहीं देख सकते गरीब व्यक्ति को देख सकते हैं चाइल्डहुड हो गया ठीक है बात समझ में आ गया हैप्पीनेस हो गया और सैडनेस हो गया ये एक्सेट्रा हो गया क्या हुआ किसी का कोई सवाल आया है नहीं आया अभी मैं स्टार्स के बारे में बताऊंगा बेटा अभी उसका भी ट्रिक बताऊंगा कभी भूलेगा नहीं ठीक है फीलिंग्स हो गया बिल्कुल ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है अब हम एक एक के बारे में बात करेंगे अब हम बात करेंगे प्रॉपर नाउन के बारे में इससे सवाल आते हैं बहुत देखिए देखिए ये तो आप जानते हैं कि किसी जैसे मान लीजिए मेरे पास में आ, ये पेन है मान लीजिए ये पेन ठीक है मेरे पास में है पेन इसका नाम है एक्सपी पेन और ये बना है किससे प्लास्टिक से ठीक है बात समझ में और ये बंडल में बंधा हुआ रखा है ठीक है और ये बहुत स्मूद चलता है अब सुनिएगा एक ही मैं कलाकारी दिखाता हूं मैं आपको मेरे पास एक पेन है जिसका नाम एक्सपी पेन है जो प्लास्टिक का बना हुआ है जो बंडल में है और जो स्मूथ चलता है तो पेन क्या हो गया आपका पेन हो गया आपका कॉमन नाउन एक्स भी क्या हो गया प्रॉपर नाउन प्लास्टिक क्या हो गया मटेरियल नाउन बंडल क्या हो गया कलेक्टिव नाउन स्मूथनेस या स्मूथ क्या हो गया यहां पर आपका अबस्ट्रैक्ट नाउन हो गया आपने देखिए एक ही बार में सब कुछ समझ लिया आसानी से लेकिन एक बात बहुत जरूरी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं इनका जो लेटर होगा पहला वाला वो हमेशा कैपिटल होगा ये बात ध्यान रखिएगा ठीक है प्रॉपर नाउन का जो पहला लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल होगा जनरली वी डोंट यूज आर्टिकल बिफोर प्रॉपर नाउन और हम सामान्यतः प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं लेकिन एक्सेप्शन भी होते हैं जहां पर हम आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं मैंने क्या कहा मैंने कहा कि जनरली हम प्रॉपर प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल दा का इस्तेमाल नहीं किसी के भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते लेकिन कुछ एक्सेप्शन होते हैं जहाँ पर हम दा का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो एक्सेप्शन क्या है पहला एक्सेप्शन ये आता है कि जब हम प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन के रूप में इस्तेमाल करते हैं तब हम उसके पहले आर्टिकल ए या एन का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे लिखा हुआ है ही इज अ सलमान खान ऑफ हिज कॉलोनी ठीक है तो वो कोई सलमान खान तो नहीं है बट वो सलमान खान के जैसा दिखता है या उसकी बॉडी सलमान खान जैसी है या उसके हेयर सलमान खान जैसे तेरे नाम वाले हैं तो वो व्यक्ति क्या कहला रहा है सलमान तो सलमान खान एक प्रॉपर नाउन एक व्यक्ति है तो हम इसके पहले आर्टिकल एक का इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है थीके? और अगर मैं जनरली कह दूं कि सलमान ठीक है लिव्स इन मुंबई तो यहाँ पर हम सलमान नहीं लगा सकते हम ये नहीं कह सकते कि सलमान खान लि मुंबई बोल चाल की भाषा में एक अलग बात है कि दा सलमान खान मतलब सलमान क्योंकि जो बड़े फेमस लोग होते हैं वो अपने नाम के आगे दा लगाते हैं। दा अंबानी द आडानी वो लगाते वो बोलचाल की भाषा में सही है बट ग्रामेटिकली वो गलत है ठीक है अब जैसे मैं कह दूं कोई लड़की जो बहुत सुंदर सी है तो मैंने कहा शी इज है ना मैंने कहा जैसे शी इज अ कैटरीना शी इज अ कैटरीना ऑफ हिज फैमिली मान लीजिए उसकी फैमिली में दो तीन लड़कियां हैं लेकिन वो ज्यादा कैटरीना बनी फिरती हैं तेरे वास्ते वाला गाना गाते तो आपने बोला शी इज अ कैटरीना ऑफ हिज फैमिली कि वो अपने परिवार की कैटरीना है हो सकता है उसके जैसे बोलचाल हो भाषा हो चेहरा हो मोहरा हो कुछ भी हो सकता है तो हम आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं यदि यहां पर आने वाला शब्द उसका पहला अक्षर कॉन्सोनेंट की जगह पर साउंड कर जाए तो हम एन भी लगा सकते हैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं है बात समझ में आ गई हाँ बिल्कुल बिल्कुल मनीष अच्छा आपको माधुरी दीक्षित पसंद है।, ओ, ओ, है अब जितने लोग लिखेंगे अपने अपने हीरोइन का नाम लिखा कीजिए ठीक है हाँ। इसके बाद अगला है बिफोर प्रॉपर नाउन फॉर द शेक ऑफ कंपैरिजन जब हम किसी व्यक्ति का जैसे मैंने आज सुबह सुबह एक सवाल पूछ लिया बहुत से बच्चों ने गलती कर दिया तो याद रखिएगा कि जब हम किसी व्यक्ति का कंपैरिजन जिस व्यक्ति से करते हैं उस व्यक्ति के पहले दा का इस्तेमाल होता है है ना जैसे कि लिखा हुआ है सूरदास इज द मिल्टन ऑफ इंडिया यहां पर हम ही को सलमान से कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं लेकिन हम यहां पर ही को सलमान खान खुद कह रहे हैं ठीक है यहां पर हम इसको एग्जाम यानी ये एग्जाम्पल के तौर पर है और ये क्या है यहां पर सूरदास इज द मिल्टन ऑफ इंडिया यानी जो गुण मिल्टन के अंदर थे वही गुण सूरदास जी के अंदर भी हैं और यह है मिल्टन कहलाए जाते हैं तो इनकी तुलना मिल्टन से हो रही तो यहां पर दा का यूज किया जाएगा ठीक है नहीं कुछ दा का यूज नहीं होगा बेटा इसमें दा का यूज नहीं इसमें आर्टिकल ए एन का ही यूज कीजिए दा का यूज मत कीजिए ठीक है प्रिया प्रियंका यहाँ पर ए आएगा या एन आएगा दा नहीं आएगा यदि वो कॉमन नाउन के रूप में यूज हो रहा है और यदि वह कंपैरिजन के फॉर्म में है तब आप दा का इस्तेमाल करिए जैसे मैं कह दू कि समुद्र है ना समुद्र गुप्त वॉज द नेपोलियन ऑफ इंडिया जो समुद्र था वो इंडिया का नेपोलियन कहलाता था तो नेपोलियन था तो हमने समुद्र की तुलना हमने किससे कर दी मैंने कहा समुद्र गुप्त द और फिर नाम क्या लिखा मैंने कि वॉज द नेपोलियन ऑफ है ना नेपोलियन ऑफ इंडिया ठीक है कि समुद्रगुप्त जो था वो इंडिया का नेपोलियन था कहलाता था जो पावर नेपोलियन में थी वही पावर समुद्रगुप्त में भी थी ठीक है तो हम दा लगाएंगे द नेपोलियन और वैसे नेपोलियन के आगे द हम नहीं लगाएंगे ठीक है बात समझ में आ गई यहां अब मुझे एक चीज बताइए मैंने काफी बातें आपको समझा दी अब आपके पास में एक मिनट का टाइम है कि आपको यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलिए जो दिक्कत है सीधा दिक्कत लिख दीजिए और नहीं है तो नो लिख दीजिए कि सर कोई दिक्कत नहीं है ठीक है चलिए आकिब हाँ मुझे बताइए कोई दिक्कत किसी को यहां तक कोई परेशानी बता दीजिएगा चलिए, एनी प्रॉब्लम चलिए मैक्सिमम आंसर आगे कोई आएगी तो देख लेंगे अगला देखिएगा क्या है कॉमन नाउन कॉमन नाउन जो होता है वो क्लास की बात करता है जैसे मैन तो मैन के अंदर बेटा राम भी आ सकते हैं रहीम भी आ सकता है और गुरमीत भी आ सकता है, है ना और भी कोई आ सकते हैं मान लीजिए तो ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग तो मैंने कहा कि मैन के अंदर कोई भी, भी आ सकता है कोई भी व्यक्ति मैन हो सकता है कैटरीना भी आ सकती हैं बबीता भी आ सकती हैं है, सुमन भी आ सकती हैं वीना भी आ सकती हैं कोई भी व्यक्ति आ सकता है सिटी के अंदर आपका शहर भी आ सकता है मेरा भी आ सकता है किसी और का भी आ सकता है किताबों के अंदर कोई भी किताब आ सकती है है ना टेबल में कोई भी टेबल हो सकती quality टेवल है क्वालिटी की ठीक है अब मान लीजिए टेबल है टेबल को मैंने नाम दे दिया कि ये नील कमल की टेबल है नीलकमल मतलब एक हमारे यहाँ ब्रांड चलता है नीलकमल उसकी चेयर्स आती हैं टेबल्स आती हैं ठीक है, है। ठीके? और ये बनी किसकी है बेटा वुड की बनी हुई है तो देखिए टेबल क्या? क्या है टेबल आपका है प्रॉपर नाउन वुड क्या है मटेरियल नाउन नील कमल क्या है नील कमल आपका हो जाएगा सॉरी टेबल हो जाएगा कॉमन नाउन सॉरी 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 टेबल हो जाएगा कॉमन नाउन नील कमल हो जाएगा प्रॉपर नाउन और वुड हो जाएगा मटेरियल नाउन ठीक है याद रखिएगा बात समझ में आ गई एवरीथिंग इज हॉन्की डोरी सर ये हॉन्की डोरी क्या है मैं बार बार देखता हूँ आप लोग लिखते रहते हैं है मैं ना मैंने देखने का ध्यान ही नहीं रहता मुझे चलिए क्लियर हो गई बात आगे चलते हैं तो इसमें कुछ खा इसमें एक चीज ये ध्यान रखना है कि जो कॉमन नाउन होते हैं इनका आप प्लूरल बना सकते हैं लेकिन प्रॉपर नाउन का आप कभी भी प्लूरल नहीं बना सकते आप रहीम का रहीम्स नहीं कर सकते हैं आप जैसे मैंने लिख दिया रहीम तो आप इसका ये नहीं लिख सकते कि रहीम्स नहीं लिख सकते हैं। गलत हो जाएगा ठीक है बात समझ में आ गई प्रॉपर नाउन का कभी भी प्लूरल नहीं बनता लेकिन कॉमन नाउन का प्लूरल बनता है और कॉमन नाउन के जो प्लूरल बनते हैं वो दो तरीके से बनते हैं ठीक है अच्छा अच्छा कॉमन नाउन के जो कॉमन नाउन में दो तरीके से कॉमन नाउन बनता है एक हम बना मतलब प्लूरल हम कैसे बना सकते हैं इनका या तो हम उसमें एस लगा सकते हैं या ई एस लगा सकते हैं या आई ई एस लगा सकते हैं एक तो ये मेथड है कि आप किसी भी कॉमन नाउन को प्लूरल बना सकते हैं और एक ऐसा मेथड भी होता है कि आप उसमें केवल किसी लेटर को किसी लेटर को चेंज करके किसी लेटर को चेंज करके भी आप क्या कर सकते हैं उसका प्लूरल बना सकते हैं जैसे बेटा मैन लिखा है तो हम मैन का मैंस तो नहीं लिख सकते गलत हो जाएगा तो हम लिखते हैं मैन का मैन लिखते हैं वो मैन का वो मैन लिखते हैं ये क्या है प्लूरल फॉर्म है इसमें हमने कहीं पर भी ना एस लगाया ना ई एस लगाया ना आई एस लगाया बल्कि इसमें केवल हमने बीच वाले लेटर को चेंज करके ई कर दिया तो ये बन गया मैन और तो ये क्या है प्लूरल है प्लूरल है लेकिन लिखा हुआ है सिटी तो मैंने कहा सिटीज इसमें मैंने आई ई एस लगाया तो ये क्या है प्लूरल हो गया मैंने बुक book का बुक्स लिखा प्लूरल हो गया टेबल का टेबल्स लिखा प्लूरल हो गया ये सारी बातें आपको याद रखना है सिंपल है मैं जानता हूं बट चलते तो रिदम में है ना है ना जब आप पढ़ते हैं तो आप पढ़ाने का मेथड भी सीख रहे होते हैं एक्चुअली में बात ये है बात ये नहीं कि आपको नॉलेज कितनी है बात ये है कि आप पढ़ाने का मेथड भी सीख रहे होते हैं है ना हमने भी किसी से सीखा छोटी क्लासेस में अब देखिए कलेक्टिव नाउन की यदि हम बात करते हैं तो कलेक्टिव नाउन जो होते हैं इनके बारे में एक बात यह भी जान रखिएगा कि आप इनका भी प्लूरल बना सकते हैं ठीक है आप इनका भी प्लूरल बना सकते हैं जैसे कि क्लास class का क्लासेस हो जाता है आर्मी का अगर हम बना सकते हैं आर्मी को चेंज कर, तो कर सकते हैं तो आर्मीज कर सकते हैं फैमिलीज़ कर सकते हैं ऑडियंसिस कर सकते हैं क्राउड्स कर सकते हैं तो हम कलेक्टिव नाउन का भी जो प्लूरल प्रूर, प्रूर, है वो हम बना सकते हैं ठीक है और मैं आपको एक बात बता दूं आज तक मैं यही पढ़ाता आया कि टीम का कभी प्लूरल नहीं बनता है लेकिन मैंने इसको कई किताबों में देखा है तो टीम का टीम्स लिखा हुआ मिला है तो टीम का भी हम प्लूरल बना सकते हैं जानते हैं क्यों जैसे मान लीजिए कोई भी ऐसा कलेक्टिव नाउन है जो किसी चीज़ के लिए भी यूज़ हो सकता है किसी के लिए भी यूज़ हो सकता है किसी भी देखिए क्लास जो होती है वो स्टूडेंट की क्लास भी हो सकती है और म्यूजिशियंस के भी मान ली ग्रुप म्यूजिशन का जैसे बैंड होता है तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आ, आप ये जानिए जो कलेक्टिव नाउन होते हैं इनका हम प्लुरल बना सकते हैं क्योंकि टीम फुटबॉल प्लेयर की भी हो सकती है टीम आपकी वॉलीबॉल प्लेयर की भी हो सकती है टीम आपकी किसी की भी हो सकती है इसलिए टीम का हम टीम्स कर सकते हैं कुछ टीचर्स इसको एस नहीं लगवाते मतलब बोलते हैं कि हम टीम का प्लूरल नहीं बनता है लेकिन बाकी बड़े बड़े टीचर्स इसको टीम को टीम मतलब टीम्स कहते हैं तो आप टीम्स मान लीजिए टीम्स भी सही है ठीक है ना टीवी का टेलीविजन्स होता है पहली बात तो ठीक है टीवी का फुल फॉर्म होता है टेलीविजन तो उसमें आप एस लगाएंगे तो बन जाकर टेलीविजन्स बन जाएगा ठीक है हाँ डांस क्लास होते हैं ना तो इसको आप बना सकते हैं कोई दिक्कत नहीं अब एक बात यह ध्यान रखनी है कि जब भी कलेक्टिव नाउन जो होगा वो दो तरह से यूज होता है एक तो वह इंडिविजुअल के रूप में यूज होता है और एक वह डिवीजन के रूप में मतलब डिवाइड हो जाता है ठीक है यानी कि उसका अलग अलग रूप हो जाता है तो ये इंडिविजुअल के रूप में होता है और एक होता है कलेक्टिव के रूप में होता है जब बात इंडिविजुअल की हो रही होती है तो मतलब ये है कि जो कलेक्टिव नाउन है वो डिवाइड हो चुका है क्या हो चुका है डिवाइड हो चुका है और जब कलेक्टिव के रूप में बात होती है तो मतलब हम समूह की बात कर रहे हैं तो वो सिंगुलर होता है आ, आर्मी का प्लूरल बन सकता है आर्मीज मैंने एग्जैक्टली exactly कभी देखा नहीं आर्मी का आर्मीज हो सकता है आर्मी ए, है ना जमीन की भी आर्मी होती है ठीक है आर्मी मतलब होता है फौजी सेना वो किसी की भी हो सकती है है ना बाकी एक बार क्लियर कर लेंगे थोड़ा इसको अभी रहने देते हैं थोड़ा सा ठीक है क्योंकि अब हूँ कहीं और पहुंच गए हैं हालांकि आर्मी का आर्मीज मैंने कहीं पढ़ा भी है देखा भी है ठीक है देख लेते हैं चलिए आगे समझते हैं कलेक्टिव नाउन मैंने कहा कि यदि सिंगुलर के रूप में यूज होता है मतलब कि अगर वो कलेक्टिव के रूप में ही यूज़ हो रहा है तो आप इस के साथ में क्या करेंगे सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे एक और जरूरी बात है कि यदि आपको कभी इसके लिए प्रोनाउन का इस्तेमाल करना पड़ जाए बेटा तो आप इट प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे मैंने कहा कि मैंने कहा कि कलेक्टिव नाउन जब कलेक्टिव रूप में होता है तो हम वर्ब सिंगुलर लगाते हैं और जो उसका प्रोनाउन होता है हम उसको उसके लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं जैसे लिखा है कि द कमेटी इज़ अन एनिमस अन एनिमस का मतलब होता है एक मत तो यहाँ पर जब कमेटी एक मत है तो यानी इसका मतलब है कि कमेटी में जितने लोग हैं सबने एक ही बात बोली है तो यहाँ पर कमेटी जो है वो कलेक्टिव रूप में काम कर रही है द कमेटी इज अनैनिमस ऑन दिस इशू मान लीजिए मैंने ये लिख दिया ठीक है और अगर मुझे इसके लिए कोई प्रोनाउन चाहिए तो मैं लिखूंगा इट ठीक है और आगे कुछ भी सेंटेंस बना दीजिए जो आपको ना ना हो इट हैज ठीक है लेट डाउन न्यू रूल्स ठीक है यानी इट लिखा कि इसने नए रूल्स बना दिए हैं कमेटी इस इशू पर एकमत है और इसने नए रूल्स बना दिए हैं तो मैंने जो इट का इस्तेमाल किया वो यहां पर कमेटी के लिए यूज किया है आप यहां पर ही नहीं लिख सकते यहां पर शी नहीं लिख सकते और यहाँ पर दे नहीं लिख सकते कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि कमेटी के लिए दे का इस्तेमाल कर देते हैं उनको लगता है कि कमेटी में बहुत सारे लोग होते हैं तो वो दे का इस्तेमाल कर देते हैं ऐसा नहीं है जब भी कलेक्टिव नाउन कलेक्टिव रूप में यूज़ होगा वर्ब सिंगुलर आएगी और आपको प्रोनाउन इट का इस्तेमाल करना है और कुछ नहीं करना है क्योंकि बेटा दे प्लूरल है तो जब हम वर्ब सिंगुलर लगा रहे हैं तो हम सिंगुलर वर्ब लगा रहे हैं तो हम प्लूरल तो प्रोनाउन हम प्लूरल कैसे लगा सकते हैं सीधी सी बात है ठीक है दूसरी बात क्या बेटा इंपॉर्टेंट कि यदि कलेक्टिव नाउन कलेक्टिव रूप की बजाय पर इंडिविजुअल रूप में यूज हो जाए जैसे लिखा है द कमेटी आर डिवाइडेड एंड देयर इज बिटरनेस अमंग द मेंबर्स अब एक कमेटी है उसमें 5 लोग बैठे हुए हैं पांच में से तीन जो हैं वो सहमत हैं दो असहमत हैं तो अब ये समूह कहां रह गया अब ये एक व्यक्ति अलग है बाकी तीन अलग है बाकी दो अलग है तो जैसे ये अलग हो जाते हैं तुरंत हम क्या करते हैं प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल कर देते हैं किसका इस्तेमाल करते हैं प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं ठीक है इसलिए ये बात ध्यान रखिएगा बात समझ में आ गई तो अब इसके लिए हम देर का इस्तेमाल देर का इस्तेमाल कर सकते हैं या हम देर का इस्तेमाल कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है जैसे मैंने कहा था कमेटी आर डिवाइडेड अब कमेटी डिवाइड हो रही है तो आर का इस्तेमाल करेंगे एंड देर इज बिटरनेस अब ये मत सोचिएगा यहाँ पर देर का इस्तेमाल जो है कमेटी के लिए हो रहा है ऐसा नहीं है कि देर का इस्तेमाल जो हो रहा है वो बिटरनेस के लिए हो रहा है बिटरनेस क्या है नाउन है क्या है बिटरनेस आपका अबस्ट्रैक्ट नाउन है याद रखिएगा बेटा रुक जाइएगा कुछ बच्चे हैं ना है ना क्लास में ठीक है यहाँ तो, तो बिटरनेस क्या क्या अबस्ट्रैक्ट नाउन है और ये अमंग द मेंबर्स हो गया कोई बात नहीं मेंबर्स ज्यादा है तो अमंग का इस्तेमाल हो गया ठीक है यहां पर कोई दिक्कत नहीं है अब बताइए किसी को कोई समस्या है अब किसी कोई समस्या है बताइए चलिए है ना कुछ बच्चे हैं जो फेस पेमेंट देर में कर पाए बेचारे अब कह रहे तुरंत कैसे ज्वाइन हो जाएंगे भाई टाइम लगेगा उसमें ठीक है चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी हिना। बात समझ में आ गई तो जब भी आपकी कमेटी इनोनिमस हो सेंटेंस को पढ़ करके लग जाता है देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं मान लीजिए कि कमेटी टीम है मान लीजिए टीम है और टीम में बेटा अगर मैं कह दू कि टीम जो है वो अपनी यूनिफॉर्म पहनने वाली है क्या पहनने वाली है यूनिफॉर्म तो आप इसके साथ में क्या लगाएंगे सिंगुलर लगाएंगे सिंगुलर बर्ब लगाएंगे कि प्लुरल बर्ब लगाएंगे आप ही बताइए अच्छा अब जब टीम यूनिफॉर्म पहनेगी तो सारे व्यक्ति एक ही जैसे ड्रेस तो एक ही जैसे ड्रेस पहनेंगे पर सबका साइज तो एक नहीं होगा सबका साइज अलग अलग होगा तो ऐसे में आप क्या करेंगे कि आप प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे ठीक है जैसे मैं कह दूं कि टीम्स या मैंने कहा टीम ठीक है और यहां पर आर वियरिंग यूनिफॉर्म्स ठीक है तो यहां पर भले ही टीम लिखा हुआ है आर लगा हुआ है क्यों आर लगा हुआ है क्योंकि आगे लिखा हुआ है वियरिंग लिखा हुआ है और यूनिफॉर्म्स लिखा हुआ है सब अलग अलग कपड़े पहन रहे हैं तो बहुत बच्चे क्या करेंगे टीम को देख करके ही आर लगा इस लगा देंगे कि अरे टीम तो सिंगुलर दिख रहा है इस लगा देंगे ऐसी गलती मत कीजिएगा अगर मैंने लिखा बोथ टीम्स मैंने लिखा बोथ है। फिर मैंने लिखा टीम्स फिर मैंने लिखा आर फिर मैंने लिखा प्लेइंग ठीक है प्लेइंग ऑनेस्टली कि दोनों टीम जो है वो ईमानदारी से खेल रही है तो यहां पर टीम्स क्या है प्लूरल है तो यहां पर आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अब मैंने कहा टीम ठीक है हैज टेक बैटिंग मैंने कहा टीम हैज डिसाइडेड टू टेक बैटिंग तो बैटिंग लेने का जो निर्णय होगा वो पूरी टीम का होगा भले ही कैप्टन लेता है बट टीम ने पूरा डिसाइड किया कि हम पहले बैटिंग करेंगे बॉलिंग करेंगे नहीं तो ऐसे में आप सिंगुलर का कर इस्तेमाल करेंगे टीम टीम हैज हाँ हैज डिसाइडेड डिसाइडेड टू 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 बॉल या टीम हाँ तू बैटिंग तू बैट ठीक है तो वहां पर हम हैज का कर इस्तेमाल करेंगे ध्यान रखिएगा बस थोड़ा सा सूझ बूझ दिखाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी तो हर चीज रटवा भी नहीं सकते एग्जाम क्या पूछेगा हमको क्या पता है ना अब एक बात कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन में दो चीजें आती मटीरियल और अबस्ट्रैक्ट नाउन ठीक है देखिए काउंटेबल में तीन चीजें आ गई आपका आ गया प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन ये आपका होता है काउंटेबल ठीक है और अनकाउंटेबल में आता है मटीरियल और अबस्ट्रैक्ट नाउन क्योंकि आप इनको गिन नहीं सकते हैं इनके साथ में आप कभी भी मैनिक इस्तेमाल नहीं कर सकते क्या नहीं इस्तेमाल कर सकते आप कभी भी मैनी का इस्तेमाल नहीं कर सकते कभी नहीं कर सकते आप इनके साथ में आप मच का इस्तेमाल कर सकते हैं आप अलॉट ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है अभी मैं डिटर में ये बातें पढ़ाऊंगा आपको तो यहां तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी याद रखेगा ये क्या है अनकाउंटेबल है और अब स्ट्रेक भी क्या है अनकाउंटेबल है क्योंकि तो आप इनको गिन नहीं सकते हैं ठीक है ठीके? बात समझ में आ गई लेकिन आप प्रॉपर नाउन में किसी व्यक्ति को गिन सकते हैं कॉमन नाउन में मैन बॉय एनिमल को गिन सकते हैं और कलेक्टिव नाउन में हम गिन सकते हैं कि कमेटी में कितने लोग हैं टीम में कितने लोग हैं हम गिन सकते हैं ठीक है हाँ बिल्कुल इसलिए मैं कह रहा हूँ वीना बस कॉन्सेप्ट समझना है बैटिंग गलत हुआ बेटा क्योंकि टू के साथ में बैटिंग नहीं आएगा ना टू प्रीपोजिशन होता है तो प्रीपोजिशन आप टू बैट लिखेंगे ना क्योंकि ये इंफिनेटिव का काम करेगा ठीक है टू बैटिंग नहीं होगा बैट लिखिए टू बैट हां बिल्कुल एक ठीक है अब देखिएगा एक और जरूरी पॉइंट आता है इस सर स्टार्स क्या है बहुत बच्चे प्रश्न करते हैं स्टार्स क्या है हमको लगता है कि स्टार्स क्या है ठीक है मैंने स्टार्स को बोलते हैं बेटा काउंटलेस बोलते हैं क्या बोलते हैं है? काउंटलेस लेकिन जो ये काउंटलेस होता है ना ये भी काउंटेबल के अंदर ही आता है इसलिए काउंटलेस कोई कैटेगरी नहीं है काउंटलेस जो है देखिए स्टार्स कैसे हैं काउंटलेस हैं क्योंकि उनकी संख्या इतनी ज्यादा कि हम गिन नहीं सकते तो बच्चे ये भी कह देते हैं गुरु बाल भी तो नहीं गिन सकते इतने सारे बाल हैं लेकिन बेटा बाल तो अनकाउंटेबल में आता है बाल को आप गिन नहीं सकते हैं इसलिए बाल अनकाउंटेबल में आता है चाह करके भी आप बाल नहीं गिन पाएंगे कभी लेकिन स्टार्स को भी स्टार्स तो गिन लेते हैं लोग तभी तो लगाते हैं मिलियंस ऑफ स्टार्स बिलियंस ऑफ स्टार्स हंड्रेड्स ऑफ स्टार्स है ना हम आसमान में स्टार देखते हैं हमको दिख जाते हैं कि आज दस दिख रहे हैं कल बीस कभी पचास कभी सौ कभी दो दिखते हैं जैसा मौसम वैसे स्टार्स दिखते हैं तो स्टार्स जो है वो आप काउंटेबल कह सकते हैं यदि कोई आपसे बोले कि काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है आपके सामने सिर्फ दो ही ऑप्शन रखे तो आप स्टार्स को काउंटेबल बोलेंगे क्योंकि जब जो चीज काउंटेबल होती है उन्हीं के लिए हम मिलियंस लिखते हैं उन्हीं के लिए हम बिलियंस लिखते हैं उन्हीं के लिए हम ट्रिलियंस लिखते हैं उन्हीं के लिए हम हंड्रेड्स लिख सकते हैं आप कभी ये लिखेंगे क्या बताइए लिखेंगे हंड्रेड ऑफ मिल्क कभी लिख सकते हैं या फिर यह लिखेंगे कि हंड्रेड ऑफ बुक्स है ना बुक्स काउंटेबल है तो लिख सकते हैं हंड्रेड्स ऑफ बुक्स ठीक है लेकिन ये नहीं लिख सकते कि हंड्रेड ऑफ मिल्क हंड्रेड ऑफ वाटर ये नहीं लिख सकते क्योंकि ये अनकाउंटेबल है आप लिख सकते हैं मिलियंस ऑफ स्टार्स लिख सकते हैं क्योंकि स्टार काउंटेबल है ये बात ध्यान रखिएगा शुमांगी दे का इस्तेमाल होगा बेटा मैंने पहले ही बताया यदि आपका आपके कोई कलेक्टिव नाउन है वो डिवाइड हो रहा है तो आप उसके लिए प्रोनाउन दे का इस्तेमाल करेंगे उसके लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव देयर का इस्तेमाल करेंगे सिंपल सी बात है उसमें क्या है ठीक है चलिए किसी को यहां तक कोई दिक्कत हो तो बेटा खुल करके कहिए आप कहने के लिए स्वतंत्र हैं बताइए अभी बेसिक पॉइंट चल रहा है अभी एग्जाम पॉइंट भी आएगा ठीक है बात समझ में आ गई चलिए बीना कुछ पूछना है क्या हाँ स्टार काउंटेबल है कोई दिक्कत किसी को बताइए बेटा है ना अगर कोई दिक्कत नहीं है तो हम आगे चलते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन में ठीक है देखिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा भी ले लूं तो आप परेशान मत होइएगा क्योंकि आप ऐसे समय में तलवार की धार में हैं एग्ज़ाम कब होगा नहीं पता सो सिलेबस को जल्दी खत्म करना है ठीक है तो मैं जल्दी जल्दी नहीं पढ़ाऊंगा बल्कि टाइम थोड़ा ज़्यादा लूंगा आपसे हाँ प्रियंका जब तुलना करेंगे बेटा तभी हम दाग इस्तेमाल करेंगे ठीक है आकिब कह रहे हैं सर स्नो क्या है देखिए अच्छा मैं बता देता हूँ है ना अभी जैसे स्नो का सवाल आएगा सर जी स्नो क्या है आइस क्या है बेटा ये सब अनकाउंटेबल चीज़ हैं क्या है अनकाउंटेबल ठीक है ना ये मटीरियल है अगर आप बात करेंगे आइस क्यूब की बात करेंगे तो ये काउंटेबल है क्योंकि आप आइस क्यूब को गिन सकते हैं कि एक आइस क्यूब डालिए मेरे कप में दो डालिए तीन डालिए मेरे ड्रिंक में तो वो आइस क्यूब को गिन सकते हैं लेकिन आप स्नो को नहीं गिन सकते बर्फ पड़ी हुई है क्या आप इसको गिन लेंगे क्या आइस को गिन लेंगे नहीं गिन पाएंगे तो ये आइस क्यूब को गिन सकते हैं ठीक है ये बात ध्यान रखिएगा बात समझ में आ गई ये बात ध्यान रखिएगा आइस को हम नहीं गिनते आइस क्यूब को गिन सकते हैं ठीक है चलिए अब ये बहुत छोटा सा आपको नजर आ रहा होगा बट परेशानी वाली कोई बात नहीं है आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि नाउन को हम कि noun को पहचानेंगे कैसे ठीक है या आप ये जानिए कि नाउन की प्लेस क्या हो सकती है नाउन की प्लेस कहाँ कहाँ हो सकती प्लेस कहाँ हो सकती है मैं आपको ये बात इस वाले टॉपिक में समझाने वाला हूँ ठीक है तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन में सबसे पहला याद रखिएगा आपको अगर नहीं दिख रहा है तो मैं लिख दूँगा दोबारा यहाँ लिखा हुआ है सब्जेक्ट के जो नाउन होता है पहला पॉइंट है आपका ये पहला पॉइंट है ये दूसरा है ये तीसरा है ये चौथा है ये पांचवा है तो मैं आपको पहला पॉइंट समझाने जा रहा हूँ पहले पॉइंट में लिखा है कि जो नाउन होता है वो दो तरह से काम कर सकता है या तो एज ए सब्जेक्ट काम कर सकता है या एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी काम कर सकता है ठीक है अब हमको कॉम्प्लीमेंट को ध्यान से समझ लेना है सब्जेक्ट को भी समझ लेना है मैंने कहा कि आ, मोहन मैंने कहा मोहन इज राइटिंग अ लेटर तो मोहन क्या है मोहन सब्जेक्ट है मोहन क्या है मोहन नाउन है ठीक है सब्जेक्ट है नाउन है पूछ लिया जाए कि मोहन क्या है नाउन है प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब में तो अब कहेंगे नाउन है जाहिर सी बात है ठीक है अगर मैंने कहा मोहन इज अ राइटर ठीक है तो यहां पर जो राइटर शब्द है ये क्या है आप जानते कि राइटर भी एक नाउन है क्योंकि इसके पहले आर्टिकल लगा हुआ है तो पक्का है कि ये नाउन है तो ये क्या है बताइए आप इसको क्या बोलेंगे आप ये थोड़ी बोल सकते हैं कि ये वर्व का ऑब्जेक्ट है आप इसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे क्या बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे क्यों कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे क्योंकि ये सब्जेक्ट के बारे में ही बताता है और इसका इसको आप ये भी कह सकते हैं कि मान लीजिए मैं मोहन को सब्जेक्ट मान लूँ और मान लीजिए मैं राइटर्स को ऑब्जेक्ट मान लूँ तो देखिएगा सब्जेक्ट बराबर ऑब्जेक्ट जो मोहन है वही राइटर है जो राइटर है उसी का नाम मोहन है जो मोहन है वही राइटर है और जो राइटर है उसी का नाम तो मोहन है ठीक है तो ये क्या कहलाएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा तो कोई आपसे पूछे कि राइटर क्या है बेटा तो ये कॉम्प्लीमेंट है इसको आप कुछ और मत कह दीजिएगा आप इसको नाउन बोलेंगे और कुछ संज्ञा मत दे दीजिएगा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बात कि राइटर को आप काउंट कर सकते हैं गिन सकते हैं कितने राइटर हैं देश में आप गिन सकते हैं तो आप ये नहीं लिख सकते कि मोहन इज राइटर मोहन इज राइटर यह लिखना उचित नहीं होगा आपको लिखना पड़ेगा मोहन इज अ राइटर आपको आर्टिकल ए का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि राइटर एक काउंटेबल नाउन है आप राइटर्स को गिन सकते हैं तो इसलिए आर्टिकल ए का इस्तेमाल करना चाहिए या कोई ऐसा लेटर आता है कि आर्टिकल एन भी लगा सकते हैं जो जरूरी हो वो लगा सकते हैं ठीक है थीके? तो ये मैंने आपको बताया कि नाउन कैसे नाउन सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है और नाउन एज ए कॉम्प्लीमेंट काम कर रहा है अब देखिएगा जो नाउन होता है वह ऑब्जेक्ट के दूसरे पॉइंट आता है कि नाउन जो होता है वो ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर सकता है या फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी काम कर सकता है अब जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि पहले तो ऑब्जेक्ट की बात करते हैं ठीक है मैंने कहा मोहन गेफ राम बुक तो बेटा देखिएगा बहुत गौर से तो यहां पर राम क्या है यहां पर राम क्या है बताइए अच्छा तो यहां पर राम बेटा जो है वो इस इस वर्ब का क्या है ऑब्जेक्ट है ठीक है मोहन गेव राम बुक मोहन ने राम को एक किताब दी तो राम क्या है राम इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है अब मैं कह दूं कि मोहन कॉल्ड राम ठीक है म्यूजिशियन क्या क्या मोहन कॉल्ड राम अ म्यूजिशियन तो याद रखिएगा यहां पर राम क्या है राम ऑब्जेक्ट है और राम को ही क्या कहा जा रहा है म्यूजिशियन कहा जा रहा है तो म्यूजिशियन क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा लेकिन ये किसका कॉम्प्लीमेंट है यह है बेटा ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है इसीलिए इसको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहा जाएगा ठीक है मैंने कहा आई कॉल यू ठीक है मैं आई कॉल यू अ डांसर यू क्या है यू ऑब्जेक्ट है किसका इस वर्ब का तो डांसर क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे क्योंकि आप ही डांसर हैं और डांसर ही आप है और राम ही म्यूजिशियन है और म्यूजिशियन का नाम ही राम है ठीक है तो ये सब क्या है नाउन है तो नाउन ही नाउन का ही हम प्रयोग कर रहे हैं एज ए सब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में एज ए ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में अब बात करेंगे कि प्रीपोजिशन के रूप में ठीक है बताए अब यहां तक समझ में आ गया होगा अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की तो जो नाउन है मैंने कहा कि राम व बुक टू मोहन अब देखिए ये टू क्या है बेटा बताए जरा टू क्या है आप जानते कि टू आपका प्रीपोजिशन है क्या है प्रीपोजिशन है मोहन क्या है इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है कोई आपसे सवाल पूछे कि मोहन वर्ब का ऑब्जेक्ट है बेटा या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो आप सीधा सीधा बोलेंगे के मोहन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ठीक है यह बात ध्यान रखिएगा दूसरी चीज यह कि ऐसे भी देखिए लिख दिया ना मैंने तो यहां पर मोहन क्या है ऑब्जेक्ट है तो यह मोहन क्या है नाउन है लेकिन यह एज ए प्रीपोजिशन के रूप में यूज हो रहा है ठीक है हाँ अब जैसे मैं कह दू ही हिज फीस ठीक है, इन द इंस्टीट्यूट ठीक है या ठीक है मैं लिख दिया तो यहां पर इन मान लीजिए अगर प्रीपोजिशन है तो द इंस्टीट्यूट क्या है आपका नाउन हो जाएगा क्योंकि प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन काम करता है अब मैं आपको एक बात यह भी बता दूं कि ऐसा नहीं है कि आप हमेशा यही सोचें कि गुरु जी क्या प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा नाउन ही आएगा क्या सब्जेक्ट के रूप में हमेशा नाउन ही हो सकता है जहां जहां मैंने आपको नाउन बताया है वहां वहां आप प्रोनाउन भी कर सकते हैं क्योंकि नाउन और प्रोनाउन के पास में ही ये क्वालिटी है कि वो एज ए सब्जेक्ट काम कर सकते हैं या फिर एज ए ऑब्जेक्ट काम कर सकते हैं ये बात ध्यान रखिएगा नाउन सब्जेक्ट के रूप में काम कर सकता है नाउन ऑब्जेक्ट प्रो, के रूप में काम कर सकता है जब ये दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर सकते हैं तो ये बात ध्यान रखिएगा ठीक है लेकिन प्रोनाउन जो होता है जो प्रोनाउन होता है वो कभी भी कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता ठीक है जो प्रोनाउन होता है उसका वो कभी कॉम्प्लीमेंट के रूप में नहीं हो सकता अम्मी थोड़ी कहूंगी ही कॉल्ड मी हिम ऐसे थोड़ी कह दूंगा मैं है ना या तो यहां लिखूंगा ही कॉल्ड मी अ डॉक्टर तो यहां पर मी क्या है मी आपका ऑब्जेक्ट है तो इस प्रोनाउन का ये डॉक्टर क्या है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है लेकिन प्रोनाउन खुद एक कॉम्प्लीमेंट नहीं बन सकता कभी पॉइंट ये है पॉइंट ये है कि जिस तरह से नाउन सब्जेक्ट बन सकता है नाउन ऑब्जेक्ट बन सकता है नाउन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है नाउन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है लेकिन जो प्रोनाउन होता है वो केवल सब्जेक्ट तो बन सकता है वो केवल ऑब्जेक्ट तो बन सकता है लेकिन वो कभी भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं बन सकता वह कभी भी ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट नहीं बन सकता है और जो प्रोनाउन होता है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकता है ठीक है तो प्रीपोजिशन देखिए मैंने कहा मैंने कहा टू हिम है ना टू राम तो ये हिम क्या है टू का प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है टू क्या है टू के बाद राम क्या है राम प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है राम नाउन है हिम प्रोनाउन है तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट नाउन ये प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है ठीक है ये बात ध्यान रखिएगा आस्था थैंक यू एंड उमा मिश्रा थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट ठीक है अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कॉल्ड मी और डॉक्टर में सर ए डॉक्टर क्या हुआ एका पूछ रही है सिंपल सी बात है बेटा एका जो है वो ऑब्जेक्ट मी का कॉम्प्लीमेंट है मी को कहा यह ना डॉक्टर तो यह क्या हो जाएगा मी का कॉम्प्लीमेंट है तो ए डॉक्टर ठीक है अब मैं अच्छा सवाल पूछ ही लेता तो, मैंने कहा कि शी कॉल्ड मी ठीक है शी कॉल्ड मी अ टीचर तो टीचर बताइए क्या है आप ही बता दीजिए अच्छा चलिए सबसे सवाल पूछ लेता तो हूं मैं सी टीचर क्या है फिर मैंने कहा कि राधा इज अ डॉक्टर ये क्या है बता दीजिए चलिए दोनों का आंसर दे दीजिए बता दीजिए लाइट बहुत परेशान कर रही है यूपी में लाइट बहुत कट रही है भाई पता नहीं क्या हो गया हर पांच दस मिनट में कट मारती है लाइट परेशान हो गए भाई लाइट से तो तो गर्मी ऊपर से अनुपमा चलिए थैंक यू सभी का जो भी देखिए यहां पर यहां पर जानते हैं क्या है यहां पर बेटा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है और यहां पर क्या है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है सब्जेक्ट को ही डॉक्टर डा, कहा जा रहा है यहाँ पर ऑब्जेक्ट को टीचर कहा जा रहा है ऐसे याद रखिएगा कभी भी दिक्कत नहीं होगी शालिनी कह रही है ओ माई गॉड यू आर ए मेजिशन सर यू ऑलवेज स्टडी मोर एंड बेटर देन बिफोर इन योर एवरी क्लास थैंक यू शालिनी आपके इतने अच्छे कॉम्प्लीमेंट के लिए है ना मैं हमेशा बेस्ट देने के चक्कर में रहता हूँ इसीलिए हर क्लास से एक अगली क्लास में ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखता है मेन रीजन ये है है ना अब पढ़त पढ़त जैसे कहते हैं करत, करत करत अभ्यास के जरमत होत सुजान वैसे पढ़त पढ़त अभ्यास के है पढ़ पढ़ के अभ्यास का जो एक्सप्लेनेशन होता है वो इम्प्रूव होता जाता है है ना आप दो चार पाँच साल बाद देखेंगे हो सकता है आपको और अच्छा नजर आए है ना अगर आप लोगों की दुआएं रही हम बने रहे यूट्यूब पर तो ठीक <laughs> है बात समझ में आ गई अब देखिए क्लास का टाइम तो खत्म हो रहा है अब लेकिन दो बातें रह गई जीडन और इन्फिनेटिव की तो जिरंड और इन्फेटिव के बारे में मैं छोटी सी बारीक बात बताऊंगा तो मुझे कृपया करके पांच दस मिनट और दे दीजिएगा ताकि ये टॉपिक खत्म हो जाए मतलब ये पॉइंट खत्म हो जाए फिर आगे हम दूसरी चीजें कल डिस्कस कर लेंगे तो पांच दस मिनट का पेशेंस रखिएगा जिनको जल्दी कहीं जाना है बिजी तो आप जा सकते हैं बाद में देख लीजिएगा बट मैं दोनों बातें और डिस्कस कर दू देखिए जीडेंड जो होता है ना जीडंड ये बनता है वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म से अब आप कहेंगे गुरुजी क्या ही इज राइटिंग लेटर क्या राइटिंग भी जीरंड हो सकता है क्योंकि ये भी तो राइट प्लस आईएनजी से बना हुआ है तो क्या आप इसको जीरंड बोल सकते हैं नहीं क्योंकि जब वर्ब प्लस आईएनजी से बनता है तो ये नाउन का काम करना चाहिए किसका नाउन का काम करेगा तभी ये जीरंड कहलाएगा और नाउन का काम नहीं करेगा तो जीरंड नहीं कराएगा और ये कैसे पहचाने गुरुजी कि ये नाउन का काम करेगा तो बेटा ये एक्टिविटी का काम कर रहा होगा किसका काम कर रहा होगा एक्टिविटी का अब जैसे मैं कहूं कि मैंने कहा राइटिंग इज एन एक्सीलेंट स्किल कि जो राइटिंग है वो बहुत अच्छी स्किल मानी जाती है ये बहुत अच्छी स्किल होती है तो यहां पर राइटिंग क्या है तो राइटिंग लिखना थैंक यू राइटिंग क्या है राइटिंग का मतलब लिखना लिखना यहां पर क्या है वर्ब नहीं है बल्कि यहां पर लिखना क्या है एक्टिविटी है मैं स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज स्विमिंग क्या है एक्टिविटी है रनिंग इज गुड फॉर एक्सरसाइज रनिंग क्या है जैसे मैंने कहा एक्टिविटी देखिए यहां पर भी राइट यहां पर भी राइट प्लस आई है वर्ब प्लस आई है बट ये नाउन का काम कर रहा है कैसे पता क्योंकि बेटा वर्ब का सब्जेक्ट नाउन ही हो सकता है कुछ और नहीं हो सकता क्योंकि वर्ब का सब्जेक्ट नाउन हो सकता है कभी भी वर्ब नहीं हो सकता ठीक है और यहां पर राइटिंग क्या है यहां पर राइटिंग वर्ब है जिसको आप बोलते हैं पार्टिसिपल ठीक है ये बात ध्यान रखिएगा तो यहाँ पर देखिए तो मैंने कहा कि जिरन ये ये क्या है अगर ऑप्शन में दे दे कि जिरन ये ऑप्शन दे दे नाउन है प्रोनाउन है एडजेक्टिव है वर्ब है क्या है ये राइटिंग इसका आंसर देना चलिए दीजिए आप लोग लो आंसर दीजिए मान लीजिए उसने लिखा राइटिंग इज एन एक्सीलेंट स्किल और राइटिंग के बारे में पूछा कि ये नाउन है कि प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है कि वर्ब है आप क्या आंसर करेंगे मुझे बताइए चलिए वर्म में भी नानी नी का सेंस देगा बट वो राइट लिखने का काम कर रहा लेटर को लिख रहा है <laughs> अगर आप मुझे टाइम दें तो मैं आपको और एक्सप्लेन कर सकता हूं मैं और भयंकर तरीके से यहां पर देखिए अभी दिखाता हूं ये नाउन है ठीक है नाउन है ठीक है नाउन है समझ गए आप अब मैं आपको कुछ और चीज समझाता हूँ ठीक है नाउन है समझ में आ गई बात अब सुनिएगा देखिए ग्रामर की खूबसूरती दिखाता हूं मैंने लिखा कि ही इज अ राइटिंग अ लेटर फिर मैंने लिखा कि राइटिंग इज अ गुड प्रैक्टिस शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं ठीक है फिर मैंने लिखा राइटिंग अ लेटर इज एन एक्सीलेंट जॉब अब देखिएगा मजा अब यहां पर राइटिंग क्या है बेटा वर्ब का काम कर रहा है क्योंकि वो पत्र को लिख रहा है अब यहाँ पर राइटिंग क्या है ये जीरण का काम कर रहा है ये नाउन का काम कर रहा है है ना अब यहाँ पर लिखा हुआ है लेटर तो बच्चे क्या सोचते हैं राइटिंग लिख रहा है लेटर लिख रहा है तो वो इसको वर्ब बोल देते हैं और जैसे ही आप बेटा इसको वर्ब बोलते हैं तो क्या आप मुझे एक बात बताइए क्या वर्ब अगर ये वर्ब हो जाएगा तो ये वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो, का जाएगा तो क्या आप वर्ब के हिसाब से यहाँ पर यहां पर वर्ब लगाएंगे क्या वर्ब के हिसाब से यहां पर आप वर्ब लगाएंगे बताइए <laughs> क्या इस वर्ब के हिसाब से यहां पर आप वर्ब लगा सकते हैं अगर आप इसको वर्ब कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप इसको वर्ब का ऑब्जेक्ट कह रहे हैं यदि आप इसको ऑब्जेक्ट कह रहे हैं तो क्या आप इसके हिसाब से यहां पर वर्ब लगाएंगे तो जब वर्ब जो है वो राइटिंग के हिसाब से आ रही है इसका मतलब है कि राइटिंग क्या है जीरंड का काम कर रहा है ठीक बा समझ में आ गया ना एक और सवाल है जो एग्जाम फंसाता है मैंने कहा ईटिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यहां पर क्या आएगा बताइए यहां पर क्या आएगा गुड फॉर हेल्थ यहां पर आप क्या फिल करेंगे बताइए अच्छा मैं ऑप्शन दे रहा हूं कहीं और पर यहाँ पर आप क्या फिल करेंगे ठीक है यहां पर आप क्या फिल करेंगे बताइए लगाएंगे कि आर लगाएंगे क्या लगाएंगे बताइए चलिए ईटिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स गुड फॉर हेल्थ क्या लगाएंगे बताइए ठीक बा। चलिए निधि है अरे वाह निधि है चलिए बढ़िया है अभी और चीज मजा आएगी बताइए इसमें क्या है ये सवाल पूछा गया था और लगभग नब्बे परसेंट पंचानवे परसेंट बच्चों ने गलती की थी इस सवाल में क्या है बताइए सोच के आंसर दीजिएगा इज आर बहुत लोग देखिए अब बहुत बच्चे आर लगाएंगे बहुत बतले इज लगाएंगे ठीक है राइटिंग अ लेटर फ्रेजल बब हो सकता है फ्रेजल वब नहीं बेटा फ्रेजल वब नहीं है ये आप इसको एक फ्रेज कह सकते हैं लेकिन फ्रेजल वर्ब नहीं कह सकते हैं ठीक है देखिए यहाँ पर ईटिंग ये आपका ये आपका सब्जेक्ट है बेटा क्या है है सब्जेक्ट ठीक तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्या लिखेंगे इज इज लिखेंगे लिखेंगे क्या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की वजह से यहां पर इज नहीं आया है यहां पर ईटिंग की वजह से इज आया है ठीक है तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा और चूंकि ये सब क्या है ये सब एक नाउन फ्रेज के रूप में काम कर रहे हैं किसके रूप में काम कर रहे हैं नाउन फ्रेज के रूप में काम कर रहे हैं ठीक है और जब भी फ्रेज होता है तो फ्रेज हमेशा सिंगुलर वर्ब लेकर के आता है और पहली बात तो ईटिंग की वजह से यहां पर इस ये भी ध्यान रखिएगा देखिए फ्रेज फ्रेज हो या क्लॉज हो ये अपने आगे सिंगुलर वर्ब लेकर के ही आते हैं ये बात ध्यान रखिएगा ठीक है जैसे मैं आपसे कह दूं हाँ बात समझ में आ गई तो चाहे फ्रेज हो चाहे क्लॉज हो वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेकर के ही आते हैं ये बात ध्यान रखिएगा तो ये पूरा पूरा अगर, अगर आप इसको नाउन फ्रेज कह सकते हैं तो ये हमेशा वर्ब लेकर के सिंगुलर ही आएगा ये बात ध्यान रखिएगा और या फिर आप ये कहिए कि ईटिंग आपका सब्जेक्ट है ठीक है और अगर आप पूरा लेंगे तो ये फिर आपका ये बन जाएगा फ्रेज बन जाएगा बिल्कुल बिल्कुल चलिए इतनी बातें समझ में आ गई हैं सभी को क्लियर हो गई बातें हाँ अगर इतनी समझ में आ गई हैं तो बहुत अच्छी बात है इसके बाद बात आती इनफेनेटिव की तो यदि वर्ब यदि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है तो हम इसको बोलते हैं इन्फिनेटिव जैसे मैंने कहा ही वॉन्ट्स टू स्टडी ठीक है फिर मैंने कहा ही वॉन्स टू स्टडी हो गया आप देखिएगा बहुत गौर से यहां पर वॉन्स क्या हो जाएगा बेटा वर्ब हो जाएगा वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए तो क्या किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट वर्ब हो सकता है कभी नहीं हो सकता इसलिए ये पूरा का पूरा क्या है इसको आप कह सकते हैं गुरुजी ये इनफिनेटिव है या आप इसको कह सकते हैं गुरुजी ये नाउन है आप ये भी कह सकते हैं ठीक है ये बात ध्यान रखिएगा इसको आप वर्ब बोलेंगे और इसको बोलेंगे कि वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है इन्फिनेटिव हो सकता है या जीडंड हो सकता है ठीक है हम्म बात समझ में आ गई तो ये भी नाउन की तरफ तो जीडंड भी नाउन होता है बेटा इन्फिनेटिव भी नाउन होता है ये बात ध्यान रखिएगा ठीक है बाकी मैं इसको बहुत डिटेल में यहाँ नहीं बना सकता क्योंकि फिर एक टॉपिक आता है फाइनेट नॉन फाइनेट का मैं वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन करूँगा फिलहाल इतना काफ़ी है ठीक है दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लास्ट पॉइंट ये कि आपको ये याद करना है याद करने का मतलब ये है कि जैसे हम ऐसे भी पहचान सकते हैं लेकिन इनमें एक्सेप्शन भी होते हैं जैसे लिखा हुआ है सी वाई यदि आप किसी शब्द को नाउन में बनाना चाहते हैं तो आप उसमें सी वाई लगा देंगे तो वो नाउन बन जाएगा जैसे कि डेमोक्रेसी नाउन है लिटरेसी नाउन है सेलिबेसी नाउन वैकेंसी नाउन है सब में सी वाई आ रहा है तो ये सब क्या है नाउन है ना जैसे मैं कह हूँ तो लूनेसी, पागलपन ये सब क्या है नाउन है द टीम हाँ बिल्कुल सही है नेहा सिद्दीकी सही है ठीक है क्योंकि तो उसने क्या डिसाइड किया बैटिंग करना डिसाइड किया तो बैटिंग करना मतलब यानी टू बैट का मतलब हो गया कि बैटिंग करना तो नाउन चाहिए ना डिसाइडेड को क्या चाहिए डिसाइड एक वर्ब है उसको नाउन चाहिए तो इनफिनेटिव आएगा टू बैट ठीक है अगर टी वाई दिख जाए रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्यूटी एक्टिविटी ठीक है तो वो भी सब क्या होते हैं नाउन होते हैं एन ई डबल एस दिख जाए हम्बलनेस हैप्पीनेस सैडनेस ये भी नाउन होता है आई एस एम इज दिख जाए सोशलिज्म रियलिज्म ये भी नाउन होता है शिप दिख जाए रिलेशनशिप किंगशिप हार्डशिप वर्शिप ये भी क्या होते हैं सब नाउन होते हैं लेकिन देखिए वर्शिप वर्शिप में भी एस एच आई पी आर वर्शिप वर्शिप वर्ब भी होता है जैसे मैंने कहा ही वर्शिप्स है ना डेली मैंने कहा ही वर्शिप्स डेली यानी कि वह डेली डेली पूजा करता है तो यहां पर वर्शिप्स क्या है बेटा वर्ब का काम कर रहा है तो कहीं कहीं एक्सेप्शन भी आपको देखने को मिलेंगे तो प्लीज एक्सेप्शन को भी दिमाग में रखिएगा ग्रामर में जब भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखिएगा और बाकी 95% फाइव परसेंट आपके रूल ही होते हैं फाइव परसेंट दिमाग कॉमन सेंस फ्लेक्सिबिलिटी रखिएगा ठीक है बात समझ में आ गई ये बात ध्यान रखिएगा आगे चलिए मधु सिंह अच्छा हाँ बिल्कुल ठीक है ठीक है और मैं कह दूं बेटा अब मैंने कहा एक और मैंने सेंटेंस लिखा मैंने कहा वर्क इज वर्शिप तो यहां पर वर्शिप क्या है नाउन का काम कर रहा है ठीक है वर्क वर्शिप क्या है नाउन का काम कर रहा है तो वहां पर देखिए वर्शिप वर्क का, का काम कर रहा था यहां वर्शिप नाउन का, का काम कर रहा है तो देख करके ही आंसर कीजिएगा जल्दीबाजी में आंसर मत कीजिएगा मेंट की बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट मैनेजमेंट डिसमेंट है ना और ए एन सी ई दिख जाए तो रेलिवेंस इग्नोरेंस इंपॉर्टेंस ये भी नाउन होता है ई एन सी ई दिख जाए कन्वीनियंस प्रिफ्रेंस इन्फ्लुएंस ये भी दिख जाए टी आईन दिख जाए हॉस्पिटलाइजेशन डिसकॉन्टीन्यूएशन अट्रैक्शन जैसे कि लिखा हुआ अट्रैक्ट वो आपसे पूछेगा कि अट्रैक्ट एक वर्ब है और आप इसका नाउन बना दीजिए तो जब आप इसको नाउन बनाएंगे तो इसमें आपको क्या करना है? आई एन लगा देना बन जाएगा अट्रैक्शन ठीक है बेटा वर्क भी नाउन है वर्क भी नाउन है और वर्शिप भी नाउन है तो क्या हुआ बेटा नाउन तो वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है ना और नाउन तो वर्ब का सब्जेक्ट भी हो सकता है निधि कंफ्यूज हो गई एका पढ़ेगा मैं तो आधा पढ़ के आंसर करती हूँ ये गलतियाँ एग्ज़ाम में मत कीजिएगा ठीक है ज़्यादा हो रहा है तो मैं कम कर दूंगा परेशान देखिए समय कम है बेटा अगर आप इतना दस पाँच मिनट एक्स्ट्रा नहीं पढ़ सकते हैं तो फिर एग्ज़ाम टाइम क्या करेंगे मतलब कैसे कवर होगा मैं चाहता हूँ ऐसे कवर हो कि आपका रिविज़न भी करवा सकूँ मैं मेरी कोशिश तो ये बाकी देखते हैं है ना तो याद रखिएगा बेटा ऐसे अगर आपको डैच डबल ओ डी दिख जाए ब्रदरहुड मैनहुड मदरहुड तो भी ये क्या है नाउन है आर वाई दिख जाए तो ब्रेवरी स्लेवरी फ्रैमरी फार्मरी ये सब क्या है ये भी नाउन है लेकिन ऐसा नहीं कराई लिख दे सी आर वाई क्राई तो क्राई में ये कोई नाउन नहीं है क्योंकि सी कोई वर्ड नहीं होता है क्योंकि जितने भी लगे हुए हैं सी वाई टी वाई एन ई एस ये सब क्या, ये सब क्या? ये है ये सफिक्स हैं ये किसी वर्ब में बाद में लगाए जाते हैं और लगा करके ये नाउन बनाते हैं लेकिन क्राई में सी प्लस आर वाई तो ये नाउन नहीं हो सकता क्योंकि सी कोई शब्द नहीं हो सकता है ठीक है के बाद ध्यान रखिएगा ज्यादा से ज्यादा पढ़ने कोशिश कीजिए बस आज के लिए काफी है। चलिए निधि कह रहे हैं बस कीजिए सर बच्चों को भूख लग गई। आप ही को भूख लगी होगी मुझे पता है जय बुक कर हमारी क्लास में ठीक है बस आज के लिए इतना काफी है एक देखिए एक टॉपिक था कि मुझे यहाँ तक खत्म करना है अब यहाँ से देखिए लिखा हुआ एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट रूल्स तो कल से एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा दूंगा आज मैंने सारे बेसिक क्लियर कर दिए हैं और एकदम क्लियर है कोई दिक्कत नहीं है आज के लिए बस इतना ही अगर अब आपके मन में कोई डाउट भ्रम कुछ भी हो तो नाउ यू आर फ्री टू आस्क योर डाउट्स ठीक है शुभांगी थैंक यू बेटा आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए है ना कोई बात नहीं हम आज का कोटा पूरा हो गया मैंने काफी पढ़ा दिया अब कल का कल पढ़ा देंगे ठीक है ध्यान रखिएगा हाँ <laughs> मजा आया ना पेड़ में पढ़ने में मजा आता है कि नहीं आता पब्लिक में बड़ी बातें होती हैं क्योंकि फ्री क्लास होती है वैल्यू नहीं होती फ्री की लेकिन जब पेड़ में पैसा लगता है ना तो व्यक्ति मन मेहनत से है तो आप भी मेहनत से पढ़ रहे होंगे उसका फायदा बहुत मिलेगा बहुत डबल ट्रिपल फायदा मिलेगा चलिए ताहिरा बेटा आपको भूख लगी तो आप भी जाइए मैं तो खा के बैठा था मुझे पता है कि मेरी भूख आप बहुत लगती है पढ़ाने के बाद बहुत भूख लगती है मैं जितना खाया मेरा सब डाइजेस्ट हो गया फिर मुझे भूख लग रही है हल्की फुल्की है <laughs> ना और एक होता है शब्द होता है देखिए कॉम पूछ रहे हैं कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कॉम्प्लीमेंट जिसमें देखिए आई होता है ना ये तारीफ होता है जैसे मैं कहना थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट कि आपके जो आपने मेरी तारीफ की उसके लिए थैंक यू कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है तारीफ प्रशंसा जिसको आप कह सकते हैं और एक होता है सी ओ एम पी एल ई एम ई एन टी होता है इसका मतलब होता है पूरक जैसे मैंने कहा कि अभी आपको मैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पढ़ा रहा था ना ये वो वाला कॉम्प्लीमेंट है और ये वाला कॉम्प्लीमेंट तारीफ वाला होता है प्रीति सिंह कह रही है सर एलटी से अच्छा सफलता बैच लगा एंड सफलता से भी अच्छा लक्ष्य बैच लग रहा है चलिए ये सुन करके जरूर मेरे मन को तसल्ली मिली मैं बहुत ये था कि बच्चे बहुत ज़्यादा होंगे लाइफ में और बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करें बट आपने जिस तरह से पढ़ा है ना ऑफ़ यू मतलब मैं तारीफ करूंगा आप लोगों की कि आप बहुत मेच्योर स्टूडेंट हैं है ना और बहुत ही बहुत ही लय में आपने पढ़ाई किए बिना किसी डिस्टर्बेंस के ये होती है पढ़ाई का मज़ा है न बिल्कुल बिल्कुल निधि सिंह हाँ वर्क इज वर्शिप में जो वर्शिप है वो कॉम्प्लीमेंट होगा बिल्कुल गीता ठीक है देखिए बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट होगा रूल लगाइए कोई दिक्कत नहीं वर्क इज वर्शिप ठीक है तो ये भी नाउन है और ये भी नाउन है तो ये इसका ये जो वर्शिप है ना ये वर्क का कॉम्प्लीमेंट है यानी जो काम है वही पूजा है और जो पूजा है वही काम है बेटा जो काम है वही पूजा है जो पूजा है वही काम है तो ये वर्शिप क्या है कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ध्यान रखिएगा स्वर्णिमा आई नो डाउट सर ओके थैंक यू चलिए हाँ चलिए थैंक यू बेटा सभी के कॉम्प्लीमेंट के लिए है ना पहली क्लास हो या कुछ भी हो थोड़ा तो सा नर्वसनेस अच्छे अच्छे लोगों को हो ही जाती है, है ना कितना बड़ा टीचर क्यों हालांकि मैं नर्वस नहीं था बट एक्साइटेड ज़रूर था पढ़ाने के लिए बिल्कुल सुमन वर्मा शालिनी चलिए बहुत बढ़िया है अब हमें लक्ष्य ज़रूर सफल कर हाँ बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट की बेटा कॉम्प्लीमेंट तारीफ होती है शिवानी शेरावत जो कॉम्प्लीमेंट तो तारीफ होती है ना उसको पहचानना नहीं है वो एग्ज़ाम में नहीं आता है कॉम्प्लीमेंट को पहचानना है आप कॉम्प्लीमेंट को अब इसको पहचानने के लिए मैंने आपको बोला ना कि अभी मैंने इतना एक्सप्लेन तो किया शायद आप बेटा लेट आई हैं तो आप शुरू से वीडियो को देखिएगा आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि क्या कॉम्प्लीमेंट कैसे पहचानते हैं ठीक है पहले आप वीडियो देखिएगा शुरू में आप लेट आएंगे इस वजह से मैं भी दिखा ऑडियंस प्लूरल होता है चलिए देखिए यदि ऑडियंसेस कई टाइप की ऑडियंसेज होती है तो बिल्कुल ऑडियंस का हम प्लूरल बना सकते हैं ठीक है कॉम्प्लीमेंट भैया आप लगता है कि आप लोग देखिए जो लेट आए हैं वो सवाल ना पूछा करें ठीक है बिल्कुल सवाल मत पूछिए अगर आप लेट ज्वाइन कर रहे हैं आपने शुरू का कुछ सुना नहीं है वही बातें आप बार बार पूछ रहे हैं मैं उसका आंसर नहीं करूँगा जो शुरू से पूरा सेशन को अटेंड करेगा वही सवाल पूछने का हकदार है ठीक है लेट आते हैं फिर मैं जो चीज़ एक्सप्लेन कर चुका हूँ वो भी बहुत डीपली अब उसको पूछ रहे हैं आप लोग बार बार सुनिएगा दोबारा से अब मैंने एक बार बता दिया ये चौथी बार पांचवीं छठवीं बार बता रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट जो होता है इसका मतलब होता है पूरक ठीक है मैंने कहा ही इज अ डॉक्टर तो जो ये ही व्यक्ति है वही डॉक्टर है जो डॉक्टर है वही ही है डॉक्टर क्या है कॉम्प्लीमेंट है ठीक है ये पांचवी छठवीं बार बता रहा हूँ अब नहीं बताऊंगा एक ही बात कितनी बार रिपीट करवाएंगे प्रीति सिंह सर वर्क इज वर्शिप में जो प्रैक्टिस सेशन करती हूँ उसमें मैंने उसे वर्ब किया था जो गलत था बट आज क्लियर हो गया आपसे पढ़कर हाँ प्रीति सिंह थैंक यू थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट ठीक है हाँ जो लोग लेट आइए ईमानदारी से पहले आप शुरू से पूरा देखिए डाउट है पूछिए लेकिन आप अचानक से आ जाएं आपने जो नहीं समझ में फिर आप पूछें उसमें मजा नहीं है ये बात ध्यान रखिएगा ठीक है चलिए बहुत हो गया लगभग डेढ़ घंटा होने जा रहा है मतलब एक एक घंटा बीस मिनट तो अब मैं क्लास को ये वाइंड अप करूँगा बाकी बातें कल करेंगे अब ठीक है कल आपसे मुलाकात होगी शाम को पाँच बजे नहीं ऐसे तो सुबह भी मिलेंगे आपसे चलिए विशाखा थैंक यू थैंक यू प्रियंका वर्मा ओके ठीक है बेटा आप कल मिलेंगे ठीक है और बाकी सफलता वालों से रात में मिलेंगे नौ बजे बाय बाय ठीक है नमस्कार